आज हो रहा है अध्याय 5 फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी विषय, फर्स्ट ईयर अध्याय 5 फर्स्ट ईयर, अध्याय 5 फर्स्ट ईयर। हेडिंग क्या है? सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। ग्रुप क्या है भाई, आप जानिएगा? सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप। ग्रुप किसे कहते हैं? एग्जाम में आएगा सामाजिक समूह। सामाजिक समूह से क्या समझते हैं, अथवा सामाजिक समूह का क्या अर्थ है, अथवा सामाजिक समूह की कोई एक परिभाषा लिखिए, आंसर क्या होगा? एक होगा, आपको ध्यान देना है विशेष। आज हेडिंग है अध्याय 5वां में, सामाजिक समूह सोशल ग्रुप, फर्स्ट ईयर 11th की पढ़ाई हो रही है। एग्जाम में ध्यान देना है आपको कि आखिर भाई सर बताए हैं सोशल ग्रुप क्या है, सामाजिक समूह क्या है, समूह की परिभाषा क्या है, समूह का अर्थ क्या है, समूह किसे कहते हैं, है ना, है ना? तो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि समूह ग्रुप, हम कोई भी कार्य के लिए कहीं जाते हैं, एक ग्रुप बना के, उस समूह का एक ग्रुप, ठेठ भाषा में समझिए, समूह का एक ग्रुप, बात समझ रहे हैं? तो आगे बढ़िए। समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक समूह एक प्राथमिक अवधारणा, प्राइमरी कंसेप्ट है। क्या है? एक प्राइमरी कंसेप्ट है ना? समाजशास्त्र में सामाजिक समूह का अध्ययन करना केवल इसीलिए जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सामाजिक प्राणी बनाते हैं, न कि वह व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं, बल्कि इसका महत्व इसीलिए भी है कि अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ समूहों का सदस्य जरूर होता है। उदाहरण के लिए, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार, पड़ोस, मोहल्ले, गांव अथवा नगर का सदस्य है। व्यवसायिक आधार पर हमसे सभी व्यक्ति मजदूर, क्लर्क, कलाकार, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर अथवा व्यापारी समूह के सदस्य हैं। सभी क्या हैं? एक ग्रुप के सदस्य हैं, मेंबर हैं, परिवार के, समाज के, व्यापार के, व्यवसायी के, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, क्या है? एक समूह के सदस्य हैं, एक ग्रुप के मेंबर हैं। आप पढ़ाई समझ रहे हैं? यानी समूह के क्या हैं? मेंबर हैं। ग्रुप के क्या हैं? मेंबर हैं। हम बोलते हैं फलना ग्रुप में एक है, हमारे ग्रुप में ही है, हम बोलते हैं देहात में, यही कहात में, फलना ग्रुप में वो है, फलना ग्रुप में ही है, बात समझिएगा। आयु के आधार पर हम बच्चों, युवाओं, पौधों अथवा वृद्ध समूह के सदस्य हो सकते हैं। आयु के आधार पर हम समूह के एक ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, मतलब एक सदस्य हो सकते हैं। सदस्य क्या होता है? मेंबर होता है, एक मेंबर हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, समझ गए हैं, है ना? लिंग के आधार पर हम स्त्री अथवा पुरुष समूह के सदस्य होते हैं। एक झंडे को सलामी देने वाले, एक प्रजाति से अपनी उत्पत्ति बनाने वाले और एक श्रेणी की आजीविका उपार्जित करने वाले सभी व्यक्ति एक एक समूह के सदस्य कहलाएंगे। गौर कीजिएगा, कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई काम किसी से अकेला होता है? आप जैसे कोई प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, एक आदमी से होता है, हमको समूह गुरु, लोग का समूह का ग्रुप चाहिए। हमारे पास कैपिटल है, पूंजी है, संगठन है, साहस भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास समूह का ग्रुप नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं है एक ग्रुप में, तो हम आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं? आप ही बताइए, नहीं कर सकते हैं। एक ग्रुप होनी चाहिए, समूह का सदस्य होनी चाहिए, मेंबर होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं, है ना? हम सभी उदाहरण से इस सभी उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है। सामाजिक समूह क्या है? एक प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। सामाजिक समूह एक प्रकार का क्या है? सामाजिक समूह एक प्रकार क्या है?
संगठन है, लिखिएगा, सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य मतलब मेंबर, जिसके मेंबर एक दूसरे को जानते हैं, जिसके मेंबर एक दूसरे को जानते हैं, वही ना ग्रुप में समूह में आता है, बिना जाने हुए समूह में लोग आएगा नहीं आता है, परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, तो ये लोग अपने समूह में आते हैं, दोस्ती करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे को, अब बिना जाने हुए ये नहीं हो सकता है, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, तब आगे जाके एक मेंबर सदस्य के रूप में इनकी ग्रुप समूह की कल्पना की जाती है। बात समझ गए है ना? और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अपनी एक रूपता आइडेंटिफाई स्थापित करते हैं, एक दूसरे पे दूसरे से आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई है ना, मतलब एक रूपता स्थापित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एक रूपता स्थापित करते हैं एक दूसरे से, अब बिना एक दूसरे से एक रूपता बनाए हुए एक ग्रुप की कल्पना नहीं की सकती है, सामाजिक समूह की अलग कल्पना नहीं की जा सकती है, आइडेंटिफाई होनी चाहिए एक दूसरे से ग्रुप में आने के लिए, मिलने के लिए, आइडेंटिफाई फाई आइडेंटिफाई एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता होना हमारे लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है, तब हम जाके आपसी आप अपनी एक रूपता आइडेंटिफाई स्थापित करते हैं, है ना? क्या करते हैं? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई अपना परिचय स्थापित करते हैं। अब आगे देखिए, मनुष्य का जीवन वास्तव में एक सामूहिक जीवन है। मनुष्य का जीवन क्या है? एक सामूहिक जीवन है, मिलजुल के रहना, एक समूह में रहना, एक ग्रुप में रहना, मनुष्य का एक कर्तव्य है, मनुष्य का एक जीवन है। बात समझ गए? इसमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक समूह से बाहर रहकर जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी मनुष्य समाज से बाहर रह के जीवित नहीं रह सकता है, वो समाज में ही रहेगा, मानते हैं जिसको आप, कोई भी मनुष्य है ना, मनुष्य का जीवन वास्तव में एक सामाजिक जीवन है, इसमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक समूह का से बाहर रहकर जीवन जीवित नहीं रह सकता है ना, जीवित नहीं रह सकता है। सभी समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, सभी सदस्य अपने व्यवहारिक जीवन पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, नियंत्रण कंट्रोल बना के रखते हैं, नियंत्रण मतलब कंट्रोल बना के रखते हैं, है ना? लेकिन तो भी कोई व्यक्ति समूह से बाहर रहकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति जीवन में बाहर जाके बाहर रह के अपना जीवन यापन नहीं रहना चाहता है, नहीं जीना चाहता है, नहीं करना चाहता है, हर कोई हर मनुष्य के कर्तव्य है समाज से सारे गुण सीखकर समाज में ही रहकर अपने ग्रुप में रहकर एक समूह का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रह कर ही समाज की स्थापना करता है, और सामाजिक समूह की स्थापना करता है, और सामाजिक समूह से ग्रुप से एक सदस्य के रूप में उसकी पहचान बनती है। इस बार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह एक सामाजिक सामाजिकता का एक अंग है, एक पहलू है। बस अब इतना ही।